नमस्कार, मैं शाकिब सैफी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। धूमधाम से मनाई गई विजयदशमी, क्या रावण का दहन। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी धूमधाम से मनाया गया। रावण को मारने के लिए श्री राम ने एक साथ 31 बाण छोड़े। एक बाण ने रावण की नाभि का अमृत कुंड सोख लिया और बाकी 30 बाण उसके सिरों और भुजाओं में लगे। इस तरह असत्य पर सत्य की विजय हुई। देश भर में विभिन्न स्थानों पर रावण के पुतलों के दहन के साथ सामाजिक बुराइयों के खात्मे का संदेश भी दिया गया। पंचकुला में जला सबसे ऊंचा रावण का पुतला। हरियाणा के पंचकुला में सबसे ऊंचे 210 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। इसकी ऊंचाई इंडिया गेट से भी करीब 1.5 गुनी थी। इस पुतले को श्री रामलीला क्लब बराड़ा अंबाला के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह चौहान ने तैयार कराया था। इसमें श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का भी सहयोग रहा। इसे 40 लोगों की टीम ने 4 महीने में तैयार किया था। इस पर करीब 30 लाख रुपए का खर्च आया था। मन की गति से चलता था रावण का पुष्पक विमान। रावण के पास पुष्पक विमान था जो बहुत ही दिव्य और चमत्कारी था। पुष्पक मन की गति से चलता था, यानी रावण किसी भी स्थान पर जाने के विषय में सोचता तो उतने ही समय में पुष्पक उस स्थान पर पहुंचा देता था। यह विमान इच्छा अनुसार बड़ा या छोटा हो सकता था। इस कारण पुष्पक से रावण पूरी सेना के साथ आ जा सकता था। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान का निर्माण किया था। हनुमान ने पहली बार लंका में देखा था पुष्पक। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे, तो उन्होंने पहली बार वहां पुष्पक विमान देखा। पुष्पक विमान की ऊंचाई ऐसी थी कि मानो वह आकाश को स्पर्श कर रहा हो। यह सोने से बना हुआ था। विमान में कई दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे और तरह तरह के सुंदर पुष्प लगे थे। इन फूलों के कारण पुष्पक ऐसा दिखता था मानो किसी पर्वत पर लगे पौधों में रंग बिरंगे सुंदर पुष्प खिले हों। हंगरी ने लगाया खुले में सोने पर प्रतिबंध, संयुक्त राष्ट्र ने की आलोचना। हंगरी में सार्वजनिक स्थानों पर सोना अब गैर कानूनी हो गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इस निर्णय को मानवाधिकारों के खिलाफ बताया है। हंगरी की संसद ने इस कानून को जून में पारित किया था। सरकार का कहना है कि पुलिस को खुले में सोने वाले लोगों को हटाने की अनुमति देना समाज के हित में है। इससे पहले 2013 में खुले स्थानों पर सोने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। रफ्तार में बुलेट ट्रेन को भी मात देगी चीन में बनी नई ट्रेन। चीन ने बुलेट ट्रेन से 3 गुना तेज गति से चलने वाली नई ट्रेन का मॉडल नेशनल मास इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वीक के दौरान पेश किया है। चीन का दावा है कि अगली पीढ़ी की मैग्नेटिक लेविटेशन बुलेट ट्रेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इसका निर्माण चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन कर रही है। इसे टी फ्लाइट नाम दिया गया है और 2025 तक इसे लॉन्च होने की उम्मीद है। अनछुए रहस्यों का खुलासा करेगा दुनिया का सबसे तेज कैमरा। वैज्ञानिकों ने ऐसा कैमरा विकसित किया है जिससे समय को स्थिर कर पाना संभव हो गया है। इस कैमरे से प्रकाश की अत्यंत धीमी गति को भी कैद किया जा सकता है। दुनिया का सबसे तेज यह कैमरा प्रति सेकंड 100 खरब फ्रेम कैद करने में सक्षम है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के अनुसार यह कैमरा प्रकाश और पदार्थ के बीच पारस्परिक प्रभाव को लेकर अनछुए रहस्यों का खुलासा कर सकता है। अगले महीने भारत में लॉन्च होगी मारुति की नई अर्टिगा। मारुति सुजुकी की सेकेंड जनरेशन की अर्टिगा भारत में 21 नवंबर को लॉन्च होगी। हालांकि इंडोनेशिया में यह मॉडल पहले से ही बिक रहा है। नई अर्टिगा मौजूद मॉडल के मुकाबले अधिक चौड़ी और लंबी है। इसे हल्के वजन के हार्डटेक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसका इंटीरियर बहुत हद तक स्विफ्ट और डिजायर से मिलता जुलता दिखेगा। इसमें मारुति का स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगेगा। गावस्कर बोले, ऋषभ, पृथ्वी और कुलदीप है टीम इंडिया के भविष्य के सितारे। देश के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर का मानना है कि ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और कुलदीप यादव टीम इंडिया के भविष्य के सितारे हैं। गावस्कर का कहना है कि पृथ्वी की रनों की भूख कमाल की है और ऋषभ पंत ने भी बहुत प्रभावित किया है। कुलदीप यादव ने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव कर पहली बार 5 विकेट लिए हैं। हालांकि इन्हें उतार चढ़ाव देखने होंगे, लेकिन उनके पास वो काबिलियत है कि वे वापसी कर सकेंगे। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर संग जबरदस्त ठुमके लगाते नजर आएंगे बिग बी। अमिताभ बच्चन और आमिर खान पहली बार फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के वाशमल्ले गाने पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आने वाले हैं। प्रभुदेवा की कोरियोग्राफी अक्सर बेंचमार्क स्थापित करने के लिए जानी जाती है और उन्होंने वाशमल्ले गाने अर्थात दिल खोलकर नाचना और खुशी मनाना को कोरियोग्राफ किया है। इस फिल्म को अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म रिलीज बताया जा रहा है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।